अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास इसके एक्सेसरीज भी सेल के लिए है ना। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज बेगमपेट में और यहाँ पर एक पंचकल्याण स्टैलियन है सेल के लिए अवेलेबल, तो सारी डिटेल हम देखेंगे। मार्किंग बहुत अच्छी है, देखिए इसकी चारों पैरों में सॉक्स है, चेहरे पे ब्लेज अच्छा है और काला पंचकल्याण है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फैसल है मेरा नाम। फैसल भाई, आपका एड्रेस कहाँ पर है बेगमपेट में? ये बेगमपेट प्रकाश नगर ओल्ड एयरपोर्ट के सामने। बेगमपेट प्रकाश नगर ओल्ड एयरपोर्ट है यहाँ पर, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में। ठीक है, अभी आपके पास ये जो घोड़ा है कौन सी नस्ल का है? ये मारवाड़ है भाई। मारवाड़ में? मारवाड़ है। और क्या एज है इसकी? ये 4 साल एज है। 4 साल का है। राइडिंग वगैरह सब चालू है इसमें? सब राइडिंग, नाच काम, डांस, राइडिंग डांस वगैरह सब है। दो पैर पे भी चलता है? दो पैर पे भी चलता हूँ। अच्छा, तो कुछ करा के भी बतला सकते हैं आप? अभी तो वो कराने वाले नहीं है समझे। अच्छा, दोनों बाहर। तो कुछ वीडियोस वगैरह है इसके आपके पास? हाँ मोर भाई, है ना वीडियो। ठीक है, वो भी देख लेंगे। क्या हाइट है इसकी? अभी 60 माप आता हूँ मोर भाई। 60 हाइट है। 60-61 इसकी हाइट है। और आँख भी देखिए आप। अच्छा, इधर है जवाब, इसके अंदर जयमंगल है। देखिए ये वाली आँख वाइट है इसकी, और ये साइड में हल्की सी मार्किंग आप सामने देख रहे हैं। इसके ब्लेस पूरा अच्छा है, साफ देवबन है इसमें। अच्छा, ये दो पैर पे भी ठहर रहा है सर? जी, दो पैर पे। और नाच काम भी है इसके अंदर? बराबर। ठीक है, और इसी थोड़ा सा वॉक करा के बतलाइए। हर घोड़ा घर के पास नहीं चलता, यानी आराम की आदत रहती। ये देखिए अब चारों पैर भी साफ है इसके, कोई स्वेलिंग नहीं है, टेंडन नहीं है इसके अंदर। पलटा ली सर, पलटा लो। 60 माप का घोड़ा है, देखिए 60 हाइट है। कंडीशन थोड़ी सी कम है, लेकिन जो भी लेंगे आप लोग तैयार कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है इसमें। नाच काम भी है इसके अंदर, और दो पैर पे चलने वाला है, राइडिंग चालू है इसकी। और माशाल्लाह, ये ख़ास बात देख रहे हैं आप, जैसे हाथ छोड़ के भी अगर चल रहे तो सताने वाला नहीं है। ये स्टैलियन है ना? जी स्टैलियन। गिल्डेड है? स्टैलियन 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 है, नर घोड़ा है। ठीक है, क्या रख रहे हैं इसका आसिंग प्राइस? इसका 75 पूछ रहे हैं उमर भाई। 75,000 आसिंग प्राइस है। नेगेशियबल भी रहेंगे? थोड़ा बहुत नेगेशियबल भी हो जाएंगे, कम भी हो जाएगा। आइए आप लोग जो इंटरेस्टेड हो आके चेक करके देख के लीजिए, और सामने से अगर कोई आएंगे तो राइडिंग वगैरह चला के बतला के करके देंगे ना। कैंटर है, एवरीथिंग सब है, चेक करके ले लेते। और कोई बच्चे भी अगर चलाएंगे तो मतलब मारने कतरने वाला बिल्कुल नहीं। देखिए आप, स्टैलियन रहने के बावजूद भी बहुत ज्यादा शरीफ है। चलिए, इसी तरह मैं और बहुत सारे वीडियोस बतलाऊंगा आप लोगों को। टाइटल में नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं आप लोग। कोई पैर देखिए, जैसे भाई बतला रहे हैं बिल्कुल साफ है, कहीं पर भी कोई स्वेलिंग नहीं है इसमें। देखिए नाल मारी भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन पैर पूरे साफ है और पूरे मार्बल खोर में खुला पंचकल्याण नहीं, देखिए एकदम साफ। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास इसके एक्सेसरीज भी सेल के लिए है ना? जी उमर भाई। तो क्या क्या है इसमें? इसमें पैड है और सैडल है। सैडल है और रेनिस है। सैडल, पैड और लगाम वाली रेनिस भी है। तो ये क्या प्राइस में देंगे आप? अब जिस किसी भाई को लेना है आके दे देंगे अपन, अच्छे कम प्राइस में दे देंगे। ओके, तो चलिए इंशाल्लाह। यहाँ पर हॉर्स भी है, उसके साथ एक्सेसरीज भी है, अगर किसी को चाहिए तो सैडल के साथ में भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो आप लोग बात करिए भाई से। टाइटल में नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके बात कीजिए। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।